शादी लव मैरिज थी या फिर टोटली अरेंज? अरेंज मैरिज थी, लेकिन वो अरेंज में ही हमारे 3-4 महीने शादी के हो गए थे, उसके 3-4 तो उसमें लव भी हो गया। टीवी प्रोडक्शन का हिस्सा है, खावन के शाना बशाना नजर आती हैं, काम की तकसीम किस तरह से है? घर में जाहिर है इनकी बेगम होती हूँ, वहाँ पर भी मतलब कोशिश यही करती हूँ कि इनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, उनके साथ साथ रहूँ। काम का हिस्सा भी जाहिर है होती हूँ इनके साथ, जो पूरी ट्रांसमिशन हों या रेगुलर प्रोग्राम्स होते हैं, तो कोशिश करती हूँ कि घर और भर, लेकिन मेरी पहली प्रायोरिटी घर ही है। इनकी सबसे बड़ी खूबी क्या है और खामी क्या? दिल के बहुत अच्छे हैं, मतलब दिल बहुत बड़ा है इनका, अपना फराया सबके लिए एक तरह से सोचते हैं। हर इंसान में खामियां होती हैं, खामी के बगैर तो कोई भी नहीं है यहाँ पर। मसला तो ये भी है कि सारी दुनिया के सामने स्क्रीन पर मुस्कुराने वाला शख्स अक्सर अपना गुस्सा घर आकर उतारता है। गुस्सा भी सभी को आता है, उनको भी आता है। गुस्सा उतरता कैसे? जैसे सबका उतरता है। थोड़ा सा डिफेंड करने की कोशिश कर रही हैं, तो मुझे गुस्सा आता है, और लेकिन वो गलत बातों पर आता है। मतलब ये नहीं है कि मैं गुस्से वाला आदमी हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बहुत बहुत ही मिलनसार, खुश अखलाक हूँ मैं, और बहुत हंसमुख इंसान हूँ मैं। लेकिन कभी कोई गलत बात होती है जो मैं पूरी तहकीक के बाद जब समझ लूँ ये गलत है। एक तो ये होता है ना कि मुझको लग रही है गलत, हो सकता है गलत ना हो, लेकिन जब मैं ये पूरी तहकीक अपनी ज़हनी तहकीक, निगाहों की तहकीक, रूहानी तहकीक, हर तहकीक के बाद जब ये समझ लूँ कि नहीं ये बात गलत है, तो फिर मुझे गुस्सा आता है। आपको अपनी अहलिया की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? मुझे अपनी अहलिया की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि बहुत जल्दी मान जाती हैं ये, इनको मनाना आसान काम है। और दूसरी मुझे इनकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये एक सच्ची आशिक रसूल। इनकी तरफ से ये बात आना मेरे लिए खुद बाय से फख्र है।